हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम जसलीन कौर है और मैं हेलियाबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 12:45, इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है, 12:45, और मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। येट मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल पर बार 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 एक ही कमेंट आ रहा है, दी मेरे इतने स्कोर है, दी मेरा इतना स्कोर है, कौन की काउंसलिंग कैसे होने वाली है, आप कौन का ये, आप कौन का वो। तो मैंने सोचा एक कलेक्टिव वीडियो बना के डाल दूँ, ज़्यादा लंबी नहीं, 15 मिनट की मैक्सिमम, 10-15 मिनट की एक वीडियो होगी जिसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में, उसके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, उससे रिलेटेड जो भी कॉमन डाउट्स बार बार मुझसे कमेंट में पूछे जा रहे हैं मेरे प्रीवियस वीडियो पर। आप इस वीडियो के कमेंट में भी, इस वीडियो को भी कमेंट कर, मतलब इस वीडियो के भी कमेंट में दवा पूछ सकते हो अपने। बट अभी मैं थोड़े दिन के लिए इनके एक्टिव ही रहूँगी क्योंकि मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, मुझे जनरली पढ़ना है, मेरे बहुत ज़्यादा सिलेबस रहता है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं बता देती हूँ बीएससी नर्सिंग है क्या। बेसिकली बीएससी नर्सिंग एक 4 ईयर डिग्री कोर्स है। इस 4 ईयर कोर्स में आपका जो 8th सेमेस्टर होता है, हर पहले तो सेमेस्टर वाइज चलता है ये कोर्स, तो जो आपका 8th सेमेस्टर होता है दैट इज़ लास्ट के 6 मंथ्स की इंटर्नशिप पीरियड होती है। एंड आपका पर सेमेस्टर 6 मंथ्स का होता है। एंड इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलती है, आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो। एंड आप इंडिया के किसी भी हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर सकते हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो या प्राइवेट क्लिनिक्स हो या कुछ भी। तो आप कौन, अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग। पहली बात तो ये कॉलेज डीयू से एफिलिएटेड है, साथ में इसका एक अफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज भी है, दैट इज़ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। दूसरा, ये 3 हॉस्पिटल के साथ एफिलिएटेड है, लोकनायक, जीबी पंत एंड गुरु नानक आई केयर। वहीं पे हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगती हैं। एंड आपकॉन के अंदर फ़िलहाल आपको बीएससी नर्सिंग ऑनर्स कोर्स 4 साल का प्रोवाइड किया जाएगा एंड पोस्ट बेसिक भी प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर, बट वो इग्नू से होती है, वो ओपन से होती है, तो हम उसके बारे में हम बात करेंगे। पोस्ट बेसिक बेसिकली आप जेएनएम के बात करते हैं, जेएनएम इज़ अ डिप्लोमा कोर्स एंड पोस्ट बेसिक करने के बाद वो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स के इक्वल हो जाती है। तो अभी इस कॉलेज में यही 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं। मिडवाइफरी का कोर्स शुरू होने वाला है जहाँ तक हमें पता है, एंड बीएससी नर्सिंग ऑनर्स ओनली गर्ल्स कोर्स है, इसमें कोई लड़का एडमिशन नहीं ले सकता हमारे कॉलेज में। बाकी कॉलेजेस में जैसे बीएचयू, जामिया हमदर्द, ऐसी कॉलेजेस में आप बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग में सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। हम जहाँ तक बात करें क्लिनिकल पोस्टिंग्स की, तो फर्स्ट ईयर से ही क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू हो जाती है। लाइक आपके 2-3 महीने की थ्योरी क्लासेस होती हैं, उसके तुरंत बाद ही आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू होती है, रेगुलर क्लिनिकल पोस्टिंग होती है। सुबह 7:30 से लेके 12:30 तक आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग की टाइमिंग रहती है एंड उसके बाद 1:30 से लेके 4 o'clock तक आपकी थ्योरी क्लासेस चलती हैं। ये इसी में आपका सारा प्रैक्टिकल वगैरह इंक्लूडेड रहता है। क्लिनिकल के लिए आपको 100% अटेंडेंस इज़ मैंडेटरी, क्लिनिकल्स में 100% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है। अगर आप एक दिन की छुट्टी लेते हो, अगर आप एक दिन की एबसेंट लेते हो, तो आपकी 3 दिन की बैकअप मेकअप ड्यूटी लगती है। और अगर आप लीव लगाते हो एक दिन, मतलब आप मेडिकल लीव वगैरह लगाते हो, तो आपको एक ही दिन मेकअप करनी पड़ती है। आप 4 साल में 14 मेडिकल लीव ले सकते हो जिसकी आपके कोई मेकअप नहीं लगती। इसके बाद हम बात करें हॉस्टल अकोमोडेशन की। तो जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कौन में हॉस्टल मैंडेटरी है, यस आप कौन में हॉस्टल मैंडेटरी है, चाहे आपका हॉस्टल आपके घर से 15 मिनट की दूरी पर क्यों ना हो, बट आपको हॉस्टल में रहना ही पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस आपका कोई सीवियर हेल्थ इशू ना हो। वो सीवियर हेल्थ इशू के भी आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, तो ही वो आपको हॉस्टल से छुट्टी देते हैं, परमानेंट डे स्कॉलर का परमिशन देते हैं। उसके लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, ठीक है। फिर मेन टॉपिक काउंसलिंग कैसे होगी। इस साल जहाँ तक हमें पता है, हमने अपने प्रोफेसर से भी पूछा था, हमने कॉलेज में भी पता करा, जहाँ तक हमें पता है इस साल काउंसलिंग एनसीसी के थ्रू ही होगी। हमें यही बताया गया है कि इस साल काउंसलिंग मोस्ट प्रॉबेबली एनसीसी के थ्रू ही होगी। अगर काउंसलिंग आपको ने खुद करवानी होती तो अब तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको निकाल चुका होता, नहीं निकाला है तो मतलब
एमसीसी के थ्रू ही काउंसलिंग होगी, और प्रोफेसर्स ने भी बोला है एमसीसी के थ्रू ही काउंसलिंग होगी। मतलब आपको एमसीसी में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, वो 11,000 का जो आप ड्राफ्ट जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो वहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, एंड उसी की तरह पूरा प्रोसेस चलेगा, जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह वहाँ पर होती है पूरा प्रोसेस वैसे ही चलेगा। सिंस एनसीसी के थ्रू एडमिशन होगा तो एडमिशन इस साल थोड़ा मुश्किल होगा ऑफकोर्स, क्योंकि ऑल इंडिया काउंसलिंग से सारे बच्चे बैठते हैं। हालांकि आपकॉन का एक प्लस पॉइंट है कि आपकॉन में 85% कोटा दिल्ली वाले बच्चों को मिलता है, रिजर्वेशन है ये। 85% इंटेक दिल्ली वाले बच्चों का है एंड 15% इंटेक आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों का है, तो जो दिल्ली वाले बच्चे उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, जिनके पास दिल्ली का डोमिसाइल है मतलब 10th और 12th दिल्ली से पास आउट है, उनके लिए ये प्लस पॉइंट है। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, बेसिक 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज मस्ट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दैट टू लेटेस्ट वाला, मतलब 6 मंथ के अंदर अंदर बना हुआ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड बाकी माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट सब चाहिए होता है। एंड या जैसे आप एडमिशन लेते हो, एडमिशन लेने के बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, वो लोकनायक हॉस्पिटल में होता है और कॉलेज वाले खुद ही कराते हैं, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। और मेडिकल एग्जामिनेशन की वजह से किसी का भी एडमिशन कैंसिल नहीं होता। मेडिकल एग्जामिनेशन बेसिकली अगर किसी को बीमारी निकलती भी है, कोई भी बीमारी निकलती है, तो मेडिकल बोर्ड वाले खुद ठीक करते हैं, किसी का एडमिशन कैंसिल नहीं होता मेडिकल एग्जामिनेशन से, चाहे वो कलर ब्लाइंड हो, कुछ भी हो, हो जाता सॉर्ट आउट, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं मेन बात करूँ कट ऑफ की, बार बार जो मुझसे यही पूछ रहा है, ठीक है, कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो आप लगा लो जनरल की कट ऑफ रहेगी 500 के अराउंड, 500 प्लस या फिर 490 प्लस, आप 490 टू 500 प्लस आप लगा के चलो, ठीक है। सिंस इस साल रैंक और स्कोर का रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई गया है, तो मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ ये बहुत सेफ साइड मार्क्स हैं, ऐसा नहीं है इसके नीचे एडमिशन नहीं होता, इसके नीचे भी एडमिशन होता है, बट दीज आर सेफ साइड मार्क्स, ठीक है। 490 टू 500 प्लस आप जनरल की लगा के चलें, EWS दैट टू फ्रॉम दिल्ली 450 प्लस, SC ST की कट ऑफ हमेशा लो ही रहती है, दैट इज़ SC की बोलूँ तो 420 टू 430 प्लस, और ST की बोलूँ तो 400 प्लस, और OBC और जनरल में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, तो 480 470 आप लगा के चलो, 10-20 माइनस रहता है, OBC और जनरल में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जनरल की कट ऑफ 490 टू 500 प्लस, EWS की कट ऑफ 450 प्लस, OBC की कट ऑफ 470 टू 480 प्लस, ST की कट ऑफ 400 प्लस, SC की कट ऑफ 430 प्लस। और अगर मैं बात करूँ बाकी कॉलेजेस की, कि अगर आपको DU के अंदर किसी और कॉलेज में और नर्सिंग कॉलेजेस में लेना है एडमिशन, क्योंकि देयर आर बेटर कॉलेजेस देन नैपकॉन, यू कैन अप्लाई, तो मैं एक रैंकिंग एक हायरार्की बता देती हूँ आपको कि कौन सा कॉलेज टॉप मोस्ट में है, किसका कहाँ कहाँ नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है रिकॉन, सबसे पहले टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग इज रिकॉन, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। उसके बाद आता है LHMC, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, फिर आता है AFMC, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, फिर आता है एपकॉन अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फिर आता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एंड देन होली फैमिली। आप इन सब कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, दो होली फैमिली के एडमिशन बंद हो चुके हैं, आप वहाँ पे उनका अलग सेपरेट अपना एग्जामिनेशन होता है, सेपरेट फॉर्म होता है उनका, बिल्कुल सेपरेट प्रोसीजर है एडमिशन का, एंड वहाँ की फ़ीस कंपेरेटिवली ज़्यादा रहती है। एंड फिर जहाँ तक बात है रूम्स की, बहुत बच्चों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा है कि रूम्स कैसे क्या है, फर्स्ट ईयर में आपको कंबाइंड रूम्स मिलते हैं, एंड सिंस बच्चों का एकोमोडेशन ज़्यादा हो गया है, मतलब मिलने तो सेकंड ईयर से सिंगल रूम चाहिए, और मोस्टली बच्चों को सेकंड ईयर में सिंगल रूम मिल जाता है, बट सिंस बच्चों का इनटेक ज़्यादा हो चुका है और हॉस्टल का साइज उतना ही है, तो सेकंड ईयर में भी कुछ बच्चों को कंबाइंड रूम में ही रहना पड़ जाता है, तो कंबाइंड में भी सिर्फ दो ही बच्चे एक रूम में रहते हैं, ज़्यादा ठूसी नहीं है, ईजी है, दो ही बच्चे एक रूम में रहते हैं। फर्स्ट ईयर का बिल्डिंग अलग है, अंदर एक न्यू बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग के अंदर ही
रास्ता है न्यू बिल्डिंग में जाने का, तो वो न्यू बिल्डिंग फर्स्ट ईयर की होती है और ओल्ड बिल्डिंग बाकी सारे बच्चों के लिए होती है। हालांकि न्यू बिल्डिंग में सेकेंड ईयर के भी बच्चे रहते हैं कुछ, बट वही है क्योंकि हॉस्टल का एरिया कम है और बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो इस वजह से, और कोई एक्स्ट्रा एकोमोडेशन चार्जेस नहीं होते, इलेक्ट्रिशियन चार्जेस, वाटर सप्लाई, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, सिर्फ मेस फीस होती है एंड टोटल जो आपके सेमेस्टर वाइज फीस लगती है वो। राइट, सेमेस्टर वाइज फीस भी मेरे को बतानी है आपको। सेमेस्टर वाइज फीस की अगर मैं बात करूँ तो 6,000 के अराउंड आपका साल का पड़ जाता है, साल का 6,000 के अराउंड चार्जेस। फर्स्ट ईयर में थोड़े ज़्यादा चार्जेस होते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, ये सब होता है। बट बाय द सेकंड ईयर आपका 6,000 के अराउंड होता है ईयर पर ईयर चार्जेस, और 2,200 आपका मेस चार्जेस है। मेस स्टूडेंट मेस है, स्टूडेंट हैंडल करता है मेस को, आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कॉलेज की। एंड या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह आर नॉट अलाउड इन द हॉस्टल, हालांकि हम लोग ले चले जाते हैं जैसे कूलर, इंडक्शन, ये सब, टोस्टर वगैरह, आयरन, ये सब हम ले जाते हैं और लेके जाके छुपा लेते हैं, अनऑफिशियली लेके जाते हैं। बेसिकली सबको पता है कि सबके पास है बट अनऑफिशियली पड़ा है, ना वार्डन को कोई दिक्कत है हमारे ले जाने से, ना हमें, हमने वार्डन को दुखी कर रखा है, क्योंकि सबको पता है ये सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है वहाँ पे, ठीक है। और लॉन्ड्री वगैरह कुछ नहीं है, एंड कपड़े खुद दो, बर्तन खुद दो, या दैट्स इट, नो एसी, नो नथिंग, यू हैव टू सर्वाइव इट लाइक सम वन मास एंड ऑल, ठीक है। येट हॉस्टल लाइफ सबसे ज़्यादा मेमोरेबल होती है आप कौन में आप लोग आओगे तो आपको पता चलेगा, बहुत अच्छी है यहाँ की हॉस्टल लाइफ। एंड दैट्स इट, अगर आप लोगों को और डाउट है कुछ भी तो यू कैन पिन डाउन इन द कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। बाय, विश मी लक फॉर माई एग्जाम, आई नीड दैट।